सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, करते नहीं हो प्लीज़ कर लेना। तो आज मैं आया हूँ जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में, एंड ये जो जयगढ़ फोर्ट है, मैं इसका डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। ये एयरपोर्ट से, अगर आप एयरपोर्ट से जयपुर आते हो तो इसका डिस्टेंस आपको पड़ता है 22 किलोमीटर, और वहीं अगर आप रेलवे स्टेशन से जयगढ़ की तरफ आओगे तो ये आपको नियर अबाउट 14 किलोमीटर पड़ेगा। और ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, ये जयगढ़ फोर्ट की वॉल्स हैं। और ये मेरा फ्रेंड है पीटर, से हाय। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सो हम मिले थे जोधपुर में और भाई साहब जयपुर आए हुए थे, तो मैंने इनको इनवाइट किया कि चलो आज साथ चल के अपन थोड़ा जयपुर भ्रमण करते हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे और मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की टिकट प्राइस क्या है और यहाँ पे जो क्या रखा हुआ है अंदर तोप, हाँ, यहाँ की टिकट प्राइस क्या है और अंदर जो तोप रखी हुई है, जो सबसे पुरानी कैनन है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। सो ये टिकट मैंने ले लिया है, मैं इंडियन हूँ तो मुझे ये टिकट 150 रुपीज़ की पड़ी थी, और भाई साहब अंग्रेज़ हैं, अमेरिका से आए हैं, तो इनको ये टिकट वैसे तो 200 रुपीज़ का था, बट ही स्पेशली एबल्ड, तो इनको आई थिंक 100 रुपीज़ का वो टिकट पड़ा है, और 10 रुपीज़ चार्जेस फॉर बाइक के जो हम यहाँ लेके आए हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। तो मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क किया है, इन्होंने एक हेलमेट को एक्स्ट्रा रखवाने के 10 रुपीज़ लिए, चलो ठीक है। और ये जो पीछे का गेट है, ये सेकंड गेट है इसके अंदर एंटर करते हुए, जस्ट पार्किंग के आगे। और आगे बढ़ते हुए फिर ये पीछे मेरे एक और गेट आ जाता है, देयर इज अ सेकंड गेट एंड हियर इज द पीटर। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू भैया। सो दैट गाय वॉज आस्किंग फॉर गाइड, तो मैंने कहा थैंक यू, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी आ चुका हूँ इसलिए। तो इस गढ़ के बारे में बताया जाता है कि ये जो कुंड है, यहाँ पे एक कुंड है, इसके अंदर बहुत सारा सोना हुआ करता था किसी टाइम पे, और इंदिरा गांधी ने यहाँ से सारा सोना निकाला और लेके चली गई। ट्रू स्टोरी तो मुझे नहीं पता, पर बताया यही जाता है। तो ये जो टैंक मैं भी दिखाता हूँ, तो ये जो टांका लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये टांका, इसके नीचे जो था गोल्ड छुपाया हुआ था राजाओं ने। फिर जब इंदिरा गांधी जी को पता चला, ऐसा बताया जाता है, एग्जैक्टली क्या स्टोरी है सच तो नहीं पता, पर ऐसा बताया जाता है कि फिर उन्होंने बहुत सारे ट्रक यहाँ भेजे और बहुत सारे यहाँ पे मतलब उसको निकाला और यहाँ से लेके चले गए। तो अब इस टांके के बाद में हम जा रहे हैं मेन कैनन की तरफ, जो जयगढ़ के अंदर रखी हुई है, और इस टैंक को बताया जाता है, इस टैंक का नाम है जयबान कैनन या जयबान तोप, और ये उस समय की सबसे बड़ी तोप थी, और इसको सिर्फ एक बार ही चलाया गया है, उसके बाद नहीं चलाया, और जिसने चलाया था बताते हैं उसके भी कान के पर्दे फट गए थे। और अब ये रास्ता जो मेरे पीछे है, ये स्लोप ऊपर जा रहा है सीधा जयबान की तरफ। जयबान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उस समय की अब तक की सबसे बड़ी तोप है, जो सिर्फ एक बार ही चली थी, और एरिया मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ जाके उसका गोला गिरा था, पर जहाँ भी गिरा था बताते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कुआ टाइप या बन गया था, खड्डा बन गया था, जो भी है। और बताते हैं जब उसको एक बार चलाया गया था तो जो चलाने वाला था उसके कान के पर्दे फट गए थे भाई। जोधपुर से कंपैरेटिवली इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, कम है। तो ये जो तोप आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है जयबान, बाद में आपसे नीचे कर रहा था, और ये 1720 में बनवाई गई थी, और इसको सिर्फ एक बार ही चलाया गया था, वो भी ट्रायल के तौर पर, सिर्फ एक बार ही चलाया गया था, उसके बाद नहीं चलाया गया, बहुत हैवी थी और मोबिलिटी बहुत कम थी, इसको ले जाना ले जाना बहुत कम पड़ता था, तो सिर्फ एक बार ही चली थी और खड़ी थी। सो गाइज, अभी हमने जयगढ़ फोर्ट देख लिया है, यहाँ की तोप भी देख ली है, और अब थोड़ी
क्रेविंग होने लग गई थी, तो मैंने सोचा कुछ हैवी ना लेते हुए हम लस्सी वस्सी ले लेते हैं। तो मैं अभी इस प्रॉपर्टी, इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ जिसका नाम है जैगर रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आके हमने लस्सी ऑर्डर की है। हाय, तो ये कब से अभी है यहाँ पे? ये 35 साल पुराना है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट 35 साल पुराना है। ओके, ये गिफ्टेड है। तो ये जो आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनका नाम है सत्यनारायण सिंह जी, और ये किन के लिए खाना बना? राजा मान सिंह सेकंड के लिए खाना बनाया करते थे, और उन्होंने ये प्लेस इनको गिफ्ट में दी है। तो मतलब ये उनके रॉयल फैमिली के अंडर नहीं आता, ये एक अलग से प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना? ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रॉयल फैमिली के अंदर बाकी। नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इनको गिफ्ट में मिली है। तो जैसे कि ये पूरा फोर्ट तो रॉयल फैमिली के अंडर आता है, पर ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, ये मान सिंह जी ने इनको गिफ्ट में दिया था, और ये रेस्टोरेंट यहाँ पे पिछले 35 सालों से चल रहा है। तो आज मैं आगे आया हूँ, लस्सी ट्राई करता हूँ, बताऊँगा आपको कैसी है। थैंक यू। और ये है इस रेस्टोरेंट का लुक, काफ़ी बेसिक सा है, बट बात ये है यार, ये जो इसकी लोकेशन है, ये जहाँ पे है उस बात के पैसे। तो मैंने और पीटर ने लस्सी ऑर्डर की है हम दोनों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत थी बाहर और हमें हैवी नहीं लेना था। तो लस्सी आ गई है हमारी, मैं लस्सी पी के बताता हूँ।